दोस्तों हर रोज हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से ओबीसी बैंक यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के जो है एक मैसेज आया था सभी कस्टमरों के पास में कि बैंक हैज रिवाइज द मिनिमम अमाउंट फॉर सेंडिंग ट्रांजेक्शन SMS अलर्ट फ्रॉम ₹1 to ₹5,000 अदर देन अल्टरनेट डिलीवरी चैनल ट्रांजेक्शन फॉर डिटेल विजिट ओवर बैंक इज वेबसाइट। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ये मैसेज क्यों आया, कईयों को ये है कि 5,000 रुपये आए हैं कुछ पता नहीं क्या क्या उनको ऐसा लगता है, लेकिन इसका जो मतलब है सही मायने में वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। पहले क्या था कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे बैंक के थ्रू करवाते थे या आप खुद कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे ATM के थ्रू करते थे तो हमें 1 रुपये से ऊपर की जो भी ट्रांजेक्शन थी सभी के हमें टेक्स्ट मैसेज जो है आता था पैसे कटने के भी और जमा होने के भी। लेकिन अब क्या बैंक ने किया है, ये फरवरी के बाद से ये लागू हो गया है कि आपको जो है 5,000 से जो नीचे के कोई भी मैसेज जो है ATM और इनको छोड़ करके, ठीक है ना, ATM से आप ट्रांजेक्शन करोगे चाहे आप 100 रुपये के भी ट्रांजेक्शन करते हो विड्रॉल करते हो तो आपको मैसेज के द्वारा पता लग जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो बैंक से या कोई अदर तो आपको 5,000 से नीचे का कोई भी मैसेज जो है आपको नहीं आएगा। 5,000 से ऊपर अमाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी वो आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बैंक जो है भेज के आपको सूचित करेगा। तो इस मैसेज का मतलब फ्रेंड्स यही था, कोई भी इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। इस तरह की अदर वीडियोज़ या आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है किसी भी तरह का तो आप हमें पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।